की खुसूसी नशियात में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब शाही सैयद शर्जील मेमन पर बरस पड़े। शाही सैयद ने क्या शिकायत की और शर्जील मेमन ने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल जो बंदे उठाए, अगर वो मुझे तो मैंने वो बात ही आपको शायद सही समझ नहीं, ठीक है। मुझे दुख इस बात का कि मेरे बंदे छोड़े क्यों, और इनके बंदे छोड़े क्यों, क्यों छोड़े? मेरे 70 बंदे क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? मैंने जब क्यों छोड़े? और अगर वो क्रिमिनल नहीं थे तो आपने पकड़े क्यों थे? अब मैं आपको बताऊं, जब क्या तुम्हारे पुलिस आंधी है? अच्छा, क्या उसकी परमिशन नहीं है? क्या ये ISI MI इंटेलिजेंस पैसे हराम के खाते हैं? मेरे घर की बेइज्जती हो गई तमाम चीजों में। तुमने मेरी माँ बहन के सामने उसके बेटे को उठाया सुबह, फिर क्यों छोड़ा? अच्छा खैर, मुझे 70 में से 60 कातिल बताने खुशी होती, तुम्हें तो एक भी नहीं बताया। अच्छा मीर साहब, सारे नहीं छोड़े, बेइज्जती मेरी हो गई, एक पख्तून की इज्जत चली गई जब पुलिस उसके घर में चली गई। तुम मेरा इज्जत लेते हो, फिर मुझे माफ करते हो? मुझे नहीं करो माफ, मुझे जेल में भेजो, फटका भेजो। अच्छा, बात यह है कि पुलिस ने लोग उठाए, इंफॉर्मेशन पे उठाए। किसकी इंफॉर्मेशन ली? नहीं थी, फ्रॉड था, झूठा था। ये आप हमारे मुंह से बात निकालना चाहते हो कि मैं बोल दूंगा ऑपरेशन न करे? करो ऑपरेशन क्रिमिनल के खिलाफ, वो किसी भी मसला किसी भी कुमियत को, मगर खुदा के लिए हमारी माओ बहनों की इज्जत ना लो। चले आप रिलैक्स करें, लेकिन शर्जील मेमन साहब, ये जो गुस्सा है, इस गुस्से के अंदर एक सवाल था कि जो लोग आपने गिरफ्तार किए, ख्वाह वो किसी भी पार्टी के थे, गिरफ्तार किए तो फिर उनको छोड़ क्यों दिया? अब मैं आपको बताऊं, पुलिस ने जो मैंने जिस चीज का जिक्र किया था, फ्री हैंड, ये जब पुलिस ने ये एक्शन लिया ना, मैं आपको आज भी बता सकता हूँ ना, चीफ मिनिस्टर साहब को पता था ना, गवर्नमेंट किसी को पता था, क्योंकि पुलिस के पास फ्री हैंड अभी का नहीं दिया हुआ है, ये पुलिस को फ्री हैंड पहले से दिया, और पुलिस ने आज तक जो कार्रवाई, जब भी लोगों को क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है, कोई पहले हुकूमत से इजाजत लेकर नहीं जाती। पुलिस ने फ्री हैंड दिया हुआ था जो पहले, उसके तहत पुलिस ने लोग गिरफ्तार किए, उसके बाद उनसे इन्वेस्टिगेशंस की, इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 या 4 लोगों को रखा, बाकी सबको उन्होंने सेकंड डे रिलीज कर दिया। और मेरी बात सुनने देखें, जब अगर किसी किसी पे शक होता है ना, शक की बुनियाद पर लोग गिरफ्तार होते हैं ना, तो अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज साबित नहीं होती, उसको छोड़ा जाता है। तो सेकंड डे कोई किसी पर टॉर्चर नहीं किया गया, किसी से कोई बदतमीजी नहीं की गई, हाँ उनको गिरफ्तार किया पुलिस ने। मैं उनके एक्शन को इस वक्त कोई अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने कार्रवाई तो नहीं थी, आई डोंट नो, मैं ये कह सकता हूँ आई डोंट नो, क्योंकि मैं आपने पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ, हो सकता है पुलिस वालों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के केस की समाप्त होने वाली है, तो ये जिन दिनों में समाप्त है कार्रवाई मे बी और मे बी नोट नॉट, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि उनको उनमें से 4 लोग उन्होंने रखे, बाकी सबको पुलिस ने छोड़ दिया।